नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात करेंगे वह इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय। देखिए हनुमान जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरह हनुमत बलबीरा। अर्थात दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे हनुमान महाराज जी करके ना दिखाएं। और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित और मंगलवार के दिन भूमि पुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन भक्तराज हनुमान जी महाराज की अपने भक्तों को ही सिद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्ध प्राप्त करते हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहा गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुँचाते हैं। मान के चलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप बीड़े चढ़ाए, अब देखना दूसरे दिन को परेशानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। यह प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त नहीं है, जिसके चलते हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं पर हम देख नहीं पाते, तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज की आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल कही गए हैं, इन्हीं के कारण कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है, कर्जे बढ़ते हैं। भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज, तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय से कर से तत्काल छुटकारा मिलेंगे, वीडियो को कंटिन्यू देखना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो तलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए? इन दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और ही नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या चली आ रही है पहले से, तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, यह भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन है तो उसमें भी तूफान आ सकता है। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू चुके हैं तो बंद कर दीजिए, यह आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन न किसी से ऋण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी से उधार नहीं लेना चाहिए।
ऐसा समझा जाता है इस दिन अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए, अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, मंगलवार के दिन पान खाकर के जमीन पर थूकना देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, मंगल देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खाकर के, जी हाँ बिल्कुल ही पान खाकर की धरती में ठोके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं, मंगल देव क्रोधित होते हैं, यहाँ तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए, तो मंगलवार के दिन भूलकर के पास नहीं खाना है, पान खाकर के नहीं ठोकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन कोई भी विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख कर के हनुमान जी महाराज को समर्पित करना, कोई शेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है, इससे मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। क्या होता है अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, यह कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्ज का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थवान हो रहे हैं, तो फिर यह उपाय सोने पे सुहागा है। जिस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन के नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है, तब करना है जैसे कि आप कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो या फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्ज का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाता है। और यह मैं जो उपाय बता रहा हूँ लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय हैं, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खान है, मसूर है या सौंफ है। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन वैभव सुख संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर की दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना, मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो, यह भी कहा जाता है इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए, जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, यह हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाएं, जिसमें राम जी का जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाएं, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है, अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, काफी परेशान हो चुके हैं तो धन आने का मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन, जी हाँ ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर श्री राम लिख कर के, पान के पत्ते पर श्री राम लिख कर के 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी महाराज को यहाँ माला पहना देना है।
ऐसा समझा जाता है, इस उपाय से न चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही, बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यह भी समझा जाता है, हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए गए हो, ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अर्श तक का पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है, जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, जितने भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं, तो ऋण मोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स्त्रोत, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। लाल मोचन हनुमान स्त्रोत पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी बात कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है, लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाए, हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम 21 दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और कितने पाठ करने हैं वह भी ध्यान से सुन ली, तो आपको 21 बार एक दिन में आप जो है सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए, तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है, और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है, तो 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा कि सर पर कर्ज का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज, यह हनुमान जी महाराज आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं, संदेह नहीं है इस बात पर, आप संदेह न करें, यह उपाय में संदेह न करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तेल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं, इस रोटी को तेल और गुड़ छुपकर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वारकर भैंस को खिला दें, इससे बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, धन्यवाद।